मे आई ज्वाइन द पार्टी गाइस, क्योंकि इस पार्टी में आपको बता दें कि एक नहीं दो नहीं चार चार हीरो है आपको नजर आने वाले हैं। कमला हसन सर, विजय सेतुपति, फाहद फाजिल और सुपरस्टार सूर्या। इस तमिल फिल्म की एडवांस बुकिंग अपडेट में बताने वाला हूं कि किस तरह से रिस्पॉन्स है, वो बुक माई शो पे दिखाकर हिंदी और तमिल और तेलुगु वर्जन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स जॉइन द पार्टी। फिल्म कल रिलीज होने वाली है और टक्कर इस फिल्म को मिलने वाली है मेजर और सम्राट पृथ्वीराज से। ऐसे में विक्रम किस तरह से आगे बढ़ रही है वो मैं बताऊंगा। सबसे पहली बात तो जितना इंटरेस्ट इस फिल्म का है उतना इंटरेस्ट किसी भी फिल्म का है नहीं, तो इस फिल्म को आप हल्के में मत लीजिएगा। ऑलमोस्ट 3 घंटा की ये फिल्म है, यानी कि फिल्म में पूरा बवाल मसाला एलिमेंट है और ये फिल्म लोगों को पसंद आने वाली है। जैसे मैं कोलकाता की यहाँ पर ओपन किया हूँ, कोलकाता के लिए अगर आपको कोलकाता में देखना होगा, कोलकाता में वैसे लिमिटेड स्क्रीन्स मिली क्योंकि ओरिजिनल है, ठीक है, और पुणे में भी इसके कम ही स्क्रीन्स दिखेंगे क्योंकि इसका जो मेन नाम है हिंदी वर्जन में वो है विक्रम हिटलिस्ट, ठीक है, फिर भी ठीक ठाक स्क्रीन्स है। अब मैं आपको मेन गढ़ में ले चलता हूँ जहाँ पर आपको पता चलेगा कि इस फिल्म का बज क्या है। इस फिल्म का बज यहाँ पे आपको पता चलेगा चेन्नई में, ठीक है, चेन्नई में देख सकते हैं। सुबह 8 से लेकर 11 बजे तक के शोज है, एक भी आपको मिलेगा नहीं, AGS सिनेमाज में भी नहीं मिलेगा, AGS सिनेमाज टी नगर में भी नहीं मिलेगा, और यहाँ पर EVP सिनेमाज चेन्नई में देखो सुबह सुबह शोज ऐड हो रहे हैं। यहाँ पे 4 बजे का शो अभी ऐड हुआ है, 500 रुपये टिकट है, वो भी खत्म है, खत्म डन। 10:30 का शो में है क्या टिकट, है क्या, एक दो बचा होगा, 32 टिकट है, यहाँ पे ले लो, ये तो ये भी नहीं मिलने वाला है। इसके अलावा थोड़ा सा नीचे जाकर देखना चाहता हूँ, देख सकते हैं और अच्छा खासा रिस्पॉन्स है यहाँ पर, देखिए लुक्स सिनेमास चेन्नई, सबसे खतरनाक रिस्पॉन्स है मायाजाल। यहाँ पे सुबह 8 बजे से, आई थिंक 4 बजे से यहाँ पे चालू करना चाहिए, क्यों नहीं चालू किया पता नहीं मेरे को, सुबह 8 बजे से रात को 11:59 देख सकते हैं। शोज देखिए, शोज का टाइमिंग देखिए, कोई भी एक शोज जिसे उठा ले तो उसमें समझ में आ जाएगा किस तरह का रिस्पॉन्स, फुल है, फुल है, एक टिकट छोड़ देता हूँ। तो ये जो रिस्पॉन्स है इससे दर्शाता है कि फिल्म को लेकर क्या पागलपन है, यानी कि ये फिल्म रिकॉर्ड ब्रेकिंग, ओ माय गॉड, मायाजाल यही अच्छे से की बात अभी तक कर रहे थे, लेकिन फिर भी जहाँ जहाँ पर आप नजर डालोगे चेन्नई में रोहिणी सिल्वर स्क्रीन्स में पागलों की तरह रिस्पॉन्स है। इस फिल्म को देखने का मेरा कल ही मन है, लेकिन डिपेंड अपॉन क्या टाइम होता है, क्योंकि तीनों फिल्में एक दिन लेकर आ रही है, ये आप समझिए, हम लोग भी सिनेमा लवर है, एक फिल्म 2 तारीख को लेके आते हैं, 2 फिल्म 3 तारीख को लेके आ रहे तो भी अलग बात होती, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी फिल्म है और आप एक ही दिन में रिलीज कर रहे हो तो मुश्किल तो होगी ही। और मैं ये फिलहाल ओरिजिनल वर्जन की बात कर रहा हूँ विक्रम की, और यहाँ पर मैं ओरिजिनल वर्जन का हैदराबाद वाला ऑप्शन भी दिखा देता हूँ जहाँ पर ये तेलुगु वर्जन में इसको रिलीज किया गया है। ये तमिल वर्जन का देखो रिस्पॉन्स कितना बढ़िया है, तेलुगु वर्जन यहाँ पर नहीं दिया गया शायद, लेकिन तमिल वर्जन का भी रिस्पॉन्स ठीक ठाक है, लिमिटेड स्क्रीन्स है। अब मैं ये सब बंद करने के बाद मैं आपको विक्रम हिटलिस्ट पर लेकर चलता हूँ, और इसकी एडवांस बुकिंग कल ही ओपन हुई है, कल बुधवार था और बुधवार को इसकी एडवांस बुकिंग ओपन हुई है। विक्रम हिटलिस्ट हिंदी में जो फिल्म है, या फिर आई थिंक उसका जो तमिल वर्जन है उसका नाम विक्रम हिटलिस्ट रखा गया है, हाँ देखो विक्रम हिटलिस्ट रखा गया है इसके तेलुगु वर्जन का नाम, तो विक्रम हिटलिस्ट अगर आप सर्च कर रहे हैं फिल्म बुक करने के लिए टिकट, वो भी हैदराबाद में, तो आपको विक्रम हिटलिस्ट नाम से सर्च करना पड़े। हाँ यहाँ पे अच्छा खासा शोज मिला है और शोज बुक भी हो रहे हैं, देख सकते हैं अच्छा खासा रिस्पॉन्स है, पूरे हैदराबाद में रिस्पॉन्स अच्छा खासा है, आप इस फिल्म का लुफ्त उठा सकते हैं और मुझे भी अच्छा खासा रिस्पॉन्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं। 7:15 के शो का देख लेते हैं, एशियन राधिका में अच्छा खासा रिस्पॉन्स है। अब मैं यहाँ पर से मुंबई की ओर रुख करना चाहूँगा, मुंबई में क्या रिस्पॉन्स है, मुंबई का रिस्पॉन्स बहुत मैटर करने वाला है, और ये मैंने आपको बताया नहीं, साउथ का जो है उसका अच्छा खासा रिस्पॉन्स है मुंबई में। विक्रम हिटलिस्ट देखो कहाँ खुला है फ्राइडे को, पर ये तेलुगु वर्जन की बात हुई, ठीक है, तेलुगु वर्जन में यहाँ पे एक ही जगह आपको मिल सकता है सिनेपोलिस सी वुड्स में, और हिंदी वर्जन का मैं आपको बता दें, अच्छा तो हिंदी वर्जन काफ़ी अच्छी स्क्रीन मिली, तो टेंशन मत लीजिए इस फिल्म के लिए, हिंदी वर्जन ये देख सकते हैं, हिंदी वर्जन में काफ़ी अच्छी स्क्रीन्स मिली है, मुंबई में भी है और गैलेक्सी में भी इस फिल्म को डाला गया है, गैलेक्सी थिएटर में, अब वो भी G7 के, और इसकी अच्छी खासी रिस्पॉन्स आपको दिखा देना चाहता हूँ, अच्छे खासे शोज बिक रहे हैं, बहुत ज़्यादा हाई पंडू नहीं बट फिर भी शोज बिक रहे हैं। अब यहाँ पर मैं दिखा देना चाहता हूँ कि इतनी सीन्स को मिली है
जो बहुत कम नजर आती होगी, लेकिन फिल्म चलेगी तो फिल्म को ऑल स्क्रीन्स मिलेगी, लेकिन फिल्म को कम स्क्रीन्स नहीं मिली। हर थिएटर्स में दो 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 शोज मिले हैं, ये एक अच्छी खासी बात है। तो यहाँ पर मुझे ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है। अगर यहाँ पर मुंबई में सिर्फ विक्रम की बात करें तो वो भी मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। मुंबई में सिर्फ विक्रम फिल्म के लिए सुबह का कौन सा शो दिया गया है, विक्रम, यानी इसी फिल्म की बात हो रही है और इसके तमिल वर्जन की बात हो रही है, स्पेशली मुंबई में। ठीक है, लेट मी चेक एंड टेल यू, क्योंकि मैं सुबह 6 बजे का शो देखा था सायन में और पक्का होगा वो। ये देखो बुक हो गया है मूवी मैक्स सायन में, 6:01 का शो बुक हो गया है। बाकी सुबह ज़्यादा शोज नहीं दिए गए, 7:20 का शो भी अच्छा खासा बुक हो रहा है आईनॉक्स आरसीटी में, और इसके अलावा रात के शो अच्छे खासे बुक हो रहे हैं। सुबह एक अच्छा अच्छा 8 AM का शो भी जो सायन में, वो भी अच्छा खासा फुल हो रहा है और इंग्लिश सब टाइटल के साथ भी दिया गया है, कुदला मार्केट सिटी में डाला गया है। ये बहुत अच्छा टिकट प्राइस है, 110 में सुबह, 140 में सुबह, अगर PVR मार्केट सिटी कुदला में देखने को मिले ये एक बहुत अच्छी बात होगी, मुझे ऐसा लगता है। देख सकते हैं अच्छा खासा हाउसफुल है यहाँ पे, मज़ा आएगा देखने में दोस्तों, मज़ा आएगा। सुबह का और शो डालना चाहिए था इनको, जो अभी तक इन्होंने डाला नहीं है PVR मार्केट सिटी में। गोरेगांव में भी डाला गया सुबह 10 बजे का शो, टिकट प्राइस भी ठीक ठाक है, कोई ज़्यादा महंगे नहीं है और इस प्राइस पे लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे 80 रुपये टिकट है, 9:35 का शो है और ये भी काफ़ी अच्छी बात है, सिनेपोलिस फन रिपब्लिक में भी, और इसके टिकट देखते कितना फुल है कितना क्या है, रिस्पॉन्स ठीक ठाक है सिनेपोलिस में भी। तो कुल मिलाकर बात करते हैं, अगर मेरा सिनेमा यहाँ पर भी 170 रुपये का टिकट है, और यानी कि काफ़ी हद तक काफ़ी जगह टिकट्स रखे गए हैं और इंग्लिश सबटाइटल के साथ रखे गए हैं, ये सबसे अच्छी खासी बात है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा, दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। रिस्पॉन्स हिंदी मार्केट में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन साउथ में ये फिल्म अंगार उगल रही है और मुझे पूरी उम्मीद है ये फिल्म लोगों को बहुत बहुत पसंद आने वाली है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।